अब से थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। एएसआई की 30 सदस्यों की टीम सर्वे की पूरी तैयारी कर चुकी है। ज्ञानवापी के सर्वे के लिए दिल्ली, सारनाथ, पटना से टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। वाराणसी कोच के आदेश के बाद ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है। एएसआई वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी। इस दौरान दोनों पक्षों के चार चार सदस्य और चार चार वकील मौजूद रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी प्रमाइसिस के अंदर मौजूद रहेगी। कोर्ट के आदेश पर पूरे सर्वे की वीडियो और फोटोग्राफी होगी। एएसआई को 4 अगस्त को वाराणसी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष शुरू से ही एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। आज होने वाले सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए जो टीम है वो पहुंच चुकी है। बहुत खुशी है कि हम लोग का मेहनत अब रंग ला रहा है। अपने हिंदू पक्ष में, सनातन पक्ष में ही आएगा निर्णय। कहीं व्यवधान नहीं चाहते हैं, ये समाधान मंदिर मस्जिद का खत्म होना चाहिए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी दशकों से इंतजार कर रहा था। आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का सच क्या है, अब वो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। आज से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू होने जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज से अगले 12 दिनों तक ज्ञानवापी परिसर के हर हिस्से की जांच करेगी। वहीं इस सर्वे के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आज सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष मामले में और वक्त चाहता है, वहीं हिंदू पक्ष मामले को जल्दी निपटा कर पूरे विवाद को खत्म करना चाहता है। जल्दबाजी नहीं है भाई, कोर्ट का आदेश है, जल्द से जल्द करिए ना। ये समय से पहले हम लोग को ये सारी चीजें देखिए। कहीं व्यवधान नहीं चाहते हैं, ये समाधान मंदिर मस्जिद का खत्म होना चाहिए। न्यायालय भी एग्रेसिव है और सारी चीजें न्यायालय के आदेश पे हो रहा है। कहीं जल्दबाजी नहीं, कोई लेट नहीं। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे सर्वे में जो कुछ निकलेगा वो पुख्ता होगा, रिकॉर्ड होगा और भविष्य में अपनी गवाही खुद देगा। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है। ऐसे में एएसआई के लिए एक एक मिनट बेहद कीमती है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। अब सबके मन में ये सवाल है कि ये सर्वे कैसे होगा और कहां होगा। आइए हम आपको एक एक करके एक एक चीज बताते हैं। इस समय हम ज्ञानवापी परिसर के बाहर हैं और सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानवापी के 3 गुंबदों की। अदालत ने कहा है कि ये जो ज्ञानवापी के 3 गुंबद हैं इनका सर्वे कराया जाएगा और जीपीआर सर्वे होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इन गुंबदों के नीचे खुदाई भी की जाएगी। दरअसल जो महिलाएं कोर्ट में गईं जिन्होंने एसआई सर्वे की मांग की, उनका कहना है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर की 3 गुंबद हैं इसके नीचे मंदिर का शिखर है और जब यहाँ पर चलते हैं तो नीचे से एक ऐसे आवाज़ आती है, होलो आवाज़ आती है और इसके नीचे अगर जाएंगे तो मंदिर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के अंदर जिन चीजों का सर्वे करेगी उनमें ज्ञानवापी का गुंबद, ज्ञानवापी का फर्श, ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी के पिलर्स, ज्ञानवापी का तहखाना, तहखाने के अंदर रखे सामान और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार शामिल है। ज्ञानवापी में केवल वजू खाने का सर्वे इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पूरा वजू खाना सील है, जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है जबकि मुस्लिमों का दावा है कि वो फव्वारे का एक हिस्सा है। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम किस तकनीक का इस्तेमाल करेगी जरा वो भी जान लीजिए। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम किस तकनीक का इस्तेमाल करेगी जरा वो भी जान लीजिए। एएसआई कार्बन डेटिंग, खुदाई और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए पूरे परिसर का सर्वे करेगा। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान एएसआई टीम के साथ सभी पक्ष मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाली महिलाएं काफी खुश हैं क्योंकि उनकी सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। उन्हें उम्मीद है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी के नीचे छिपे हुए राज सामने आ जाएंगे।
खुशी है जो मेरे सावन में हो रहा है, और पिछली बार भी हुआ था जो सोमवार को ही हुआ था। क्या लग रहा है कि क्या कुछ निर्णय आएगा एशियाई सर्वे में? अपने हिंदू पक्ष में, सनातन पक्ष में ही आएगा निर्णय। चार उनके अधिवक्ता रहेंगे और कौन कौन बैठक में था, क्या बोला गया? बस यही बोला गया कि सुबह 7 बजे से शुरू हो जाए। बहुत खुशी है कि हम लोग का मेहनत अब रंग ला रहा है, महादेव का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, मेहनत हम लोग का रंग ला रहा है, तो खुशी तो बहुत है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद हम लोग इस मुकाम पे अभी पहुंचे हुए हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच सामने आने लगेगा। पहले दिन से ही देखिएगा, आश्चर्यजनक रूप से सच सामने आएगा। रविवार शाम वाराणसी कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बुलाकर मीटिंग की, साथ ही सर्वे के बारे में जानकारी दी। ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार भी है, ऐसे में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। तैयारी वो हम लोग करा रहे हैं और कल के बाकी जो सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर जब से आया है, उसके बाद से ही काशी का माहौल बदला बदला सा है। ऐसे में अब ज्ञानवापी के पूरे कैंपस में सर्वे होगा तो मंदिर और मस्जिद से जुड़ा ये मामला काफी हद तक साफ हो जाएगा। इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।